हेलो बच्चों, देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आवाज़ तो क्लियर आ रहा है ना? उसके बाद ही चर्चा आज का स्टार्ट करेंगे। आवाज़ क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए। चलिए भाई शुरू करें। सबसे पहले बताओ पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? करते जाओ मैसेज। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? आज कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं आज ज़्यादा टफ क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं रखा हूँ, इजी इजी क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपका जो टफेस्ट सब्जेक्ट होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में फिजिक्स, जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो बच्चों जल्दी से जल्दी जुड़िए और मेरे को इसमें आंसर करेंगे। मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। अपन बिल्कुल ज्वाइन करेंगे इस चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो नए बच्चे जुड़ सकते हैं वो इस चैनल के साथ जुड़िए। उसके बाद मैं सेशन शुरू करता हूँ और ये सेशन ज़्यादा समय का नहीं होगा। मैं आज इजीएस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के बीच लेके आया हूँ जल्दी। जैसे कि मैं आपको क्लास में बताया था कि हमारा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो हम अपने लाइव नेक्स्ट लाइव सेशन में पोटेंशियोमीटर वाला पूरा पोर्शन कवर करेंगे। आज मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर अपनी तैयारी किए हैं तो आप अच्छे लेवल की तैयारी पे होंगे। आपको जैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको फेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी नहीं करते या अपने से तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, AG1 को एक तुक्का के हिसाब से लेते हैं कि हमें AG1 में तुक्का ही मारना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उनको दिखता है तो हमें तुक्का ही मारना है। पर अगर आप अपने जीवन का पूरा 1 साल BKCI के साथ दिए हैं या आने वाले समय PAT की तैयारी कर रहे हैं और अपना टाइम आप BKCI को दे रहे हो, तो हमारी संस्थान कभी भी AG1 में तुक्का लगाने का आपको कभी भी एडवाइस नहीं देता। पूरी तैयारी हम किसकी कराते हैं, AG1 की, क्योंकि आप स्कोर PAT में स्कोर करोगे कहाँ से, AG1 में। आपको AG2 और AG3 गवर्नमेंट कॉलेज तो दिला सकता है, पर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो कहाँ किसकी तैयारी करनी होगी आपको, AG1 की। और AG1 की शानदार तैयारी पूरे मध्य भारत में एक ही संस्थान जिसका नाम है भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगातार जो 2013 से हजारों बच्चों का चयन कराते हुए आ रहा है, उसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़े बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करो और जुड़ो। और मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन मेरे को ना बताना पड़े, आप ही इसका आंसर देते चलो। तो शुरू करें, एक बार कंफर्मेशन दे दो, शुरू कर दे। चलिए भाई पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है। प्रिज्म का कोण 6 डिग्री तथा उसका हरा रंग के लिए अपवर्तनांक 1.5 है, यदि हरा प्रकाश उससे गुजरे तो विचलन होगा। क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। तो बच्चों इसका आंसर बताने से पहले जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो BKCI से पढ़े हुए हैं, वो ये बता दो सबसे पहले कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। मुझे ये बता दो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है,
जल्दी से कमेंट कर दो। किस चैप्टर का क्वेश्चन है भाई? आप शानदार तैयारी किए हुए हैं मुझसे जुड़ के, तो आप बताइए किस क्वेश्चन का, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, सेवन चैप्टर, क्या नाम है? एकदम सही, मतलब आपने बिल्कुल तैयारी की हुई है। ये किसका क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? अगर आप BKCI से जुड़ के तैयारी किए होंगे तो मैंने आपको चैप्टर सेवन में ये चीज पढ़ाया है, चैप्टर सेवन में ये चीज पढ़ाया है। और हमने किस टॉपिक में इसको डिस्कस किया था? लाइट के केस में ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, अब बता दो इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा है? विचलन कोण पूछा है। विचलन कोण को किससे डिनोट किया जाता है भाई? विचलन कोण को डिनोट किया जाता है डेल से। अब बात करेंगे किस केस में अपने को, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में अपवर्तनांक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है 1.5, ये गिवन वैल्यू है 1.5। और प्रिज्म का कोण देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है कितना, 6 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल को किससे डिनोट किया जाता है? ए से डिनोट किया जाता है, और ये अपने को दिया हुआ है 6 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को? और फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? म्यू माइनस वन इंटू ए। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। देखिए ये क्या हो गया, 1.5 माइनस वन, ए का वैल्यू कितना हो गया 6। अगर 1.5 से माइनस वन करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और 0.5 में 6 का इंटू करोगे तो यहाँ पे डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा। और ये 3 डिग्री आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है 3 डिग्री। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने एकदम सही आंसर दिया हुआ है, डी ऑप्शन के साथ सभी गए हैं। संस्कार गुप्ता, अवंतिका सिंह, आकाश, आप लोगों ने एकदम सही तरीके से इसका आंसर दिया। ए और बी बैच के बच्चे मैक्सिमम इसमें जुड़िए, ए और बी बैच के बच्चे मैक्सिमम इसमें जुड़िए। आपका रिवीजन टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट सब कुछ मैं ले चुका हूं, उसके बाद भी आप ज्वाइन नहीं कर रहे, जल्दी से जल्दी जुड़ो। चलिए सभी के आंसर सही आए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार कंफर्मेशन दे देंगे, थम का निशान दिखा देंगे, एक बार कंफर्मेशन दे देंगे। अगर ये क्लियर हो गया हो सभी को तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्लियर कर दो। अगर ये क्लियर है तो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम, आसान क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन किसमें पूछा था? PAT 2018 में पूछा था। बच्चों इस लाइव सेशन में आप लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स से डर खत्म कर दूंगा आपको। आप लोग मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए थे, हमने फिजिक्स को कैसे माहौल से पढ़ा है तो वही माहौल एक बार फिर से बना देते हैं, वही एंजॉय एक बार फिर से करते हैं, और जो न्यूमेरिकल चीज़ें उसको आसानी से डील करते हैं। आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो ना लाइव चैट में, अगर कुछ बातें करना है तो वो भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों का आपको रिस्पॉन्स दूंगा, मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्जिया नियम पर आधारित गैल्वेनोमीटर है, द गैल्वेनोमीटर बेस्ड ऑन द टेंजेंट लॉ इज। यहां पे तो इसको कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन में पढ़ो। जहां पे आपको स्पर्जिया धारा मापी दिख रहा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, बता दीजिए सीधा आंसर बताइए इसका, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर बताएंगे इसका। ये चीजें हम क्लास में किए हुए हैं, सब कुछ आपके कॉपी में मैंने लिखाया है, उसके बाद सभी का सही आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी का सही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन के साथ सभी बच्चे जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पर्जिया नियम पे जो गैल्वेनोमीटर है उसको बताना है, तो स्पर्जिया नियम पे जो गैल्वेनोमीटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्जिया धारा मापी कहेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग लगभग सही आ रहा है, तो बहुत ही बहुत बढ़िया बात है भाई, आप लोग की तैयारी शानदार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक वस्तु 10 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है।
अगर कमरे के ताप को हम 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो अगले 10 मिनट में वस्तु का तापमान क्या होगा, यहाँ पे आ गया थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला काम। तो न्यूमेरिकल का काम मैं आपसे मिलके करता हूँ। सबसे पहला काम आप ये बता दो कि मैंने आपको इस किस आपको ये क्वेश्चन किस चैप्टर में पढ़ाया है। किस चैप्टर में पढ़ाया भाई ये क्वेश्चन? जल्दी आ जाइए, जल्दी से बता दीजिए किस चैप्टर में पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, आ गया, हीट का है ये चैप्टर 6 का है। अनु साहू जी, हमने चैप्टर 6 में पढ़ाया है। हीट का टॉपिक हमने पांचवें और छठवें चैप्टर में देखा था। तो ये वाला जो पोर्शन है कवर करेगा क्या, चैप्टर 6। और चैप्टर 6 में किसका क्वेश्चन है, किस लॉ का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है न्यूटन्स कूलिंग लॉ का। न्यूटन्स कूलिंग लॉ का क्वेश्चन है। और न्यूटन्स कूलिंग लॉ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, आप लोग साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, साथ सॉल्व करते हुए इसका आंसर बताइएंगे। थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय टी इक्वल टू न्यूटन्स कांस्टेंट के, यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सॉल्व करते चलिए इस क्वेश्चन का और आंसर बताइए। फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 60 से 50 जा रहा है। तो हमने इसको 60 से 50 लिया, कितना टाइम लग रहा है भाई इसमें, 10 मिनट का समय लग रहा है। हमने यहाँ पे 10 लिया, ये न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट के हो गया, ये हो गया 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2। और रूम टेम्परेचर अपने को कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 और 50 कितना हुआ, 110, 110 में 2 गया, बटाई बटे में अपने 2 किए थे वो 55, और 55 में 25 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया 30। तो यहाँ पे देखेंगे अपने को पहला इक्वेशन क्या मिल गया, 1 इक्वल टू 30 के मिल गया। चलो भाई आंसर आना शुरू हो गया है। अब मैं बात करूँ सेकेंड कंडीशन की। अब जो बॉडी है नेक्स्ट टेन मिनट तक फिर से कूल हो रहा है, फिर से ठंडा हो रहा है, तो अपना जो इनिशियल टेम्परेचर है वो जाएगा 50, और नेक्स्ट 10 मिनट में कहाँ तक जाएगा, वो थीटा 2 तक जाएगा। और इसमें भी समय उसको कितना लग रहा है, 10 मिनट का टाइम लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कूलिंग कांस्टेंट के, ये हो गया 50 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 50 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई 10, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, 25 हो गया, तो ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा 2 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक हम सही चल रहे हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं, अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो ये 2 से ये 2 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बना लो इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है, इक्वेशन 2 बना लिए। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, 1 डिवाइड बाई 2 कर दें, तो आप देखोगे पहले मैं यहाँ पे ऊपर 1 लिखा हुआ है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 50 माइनस थीटा 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 के, लिखा हुआ है 30 के, इसको हम डिवाइड करेंगे तो थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा। सही चल रहा है यहाँ तक? अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी के था, ये देखो सबसे पहले इस के से इस के को हमने कैंसिल किया, यहाँ पे ये 10 वन जा ये 10 थ्री जा, यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं हो जाएगा 300 माइनस 6 थीटा 2, और यहां पे आ जाएगा थीटा 2, तो 300 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 थीटा 2। अब अगर 7 को मैं नीचे लेके आऊं तो मुझे थीटा 2 का वैल्यू मिलेगा, और थीटा 2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 42.8 डिग्री सेल्सियस। और ये आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ इसका, आप ये बता दीजिए ये आंसर आपने सॉल्व करके दिया है ना? ये आंसर आपने सॉल्व करके दिया है कि नहीं, ये कंफर्म कर देंगे।
बहुत बढ़िया, सभी ने सॉल्व किया है और मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास में भी कराया हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, भाई ये चीज समझ में आ गया होगा तो कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं, तो बच्चों आज अपने को फिजिक्स की तैयारी को भांपना है भाई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं, तो यहां पे अपने को क्या बोला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा है। यहां से अपने को क्या पूछा है, घर्षण क्या होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो घर्षण क्या होगा इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझना। यहां पे ये जो डायग्राम है, यहां पे देखिए फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब इस एफ फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था अगर हम थीटा के साथ जाते हैं, सॉल्व करते चलिए बच्चों, सॉल्व करते चलिए, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर हम यहां पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस के साथ जाएगा ये, और अगर मैं ऊपर की तरफ गया तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर हम टूवर्ड्स थीटा आते हैं, थीटा की ओर आते हैं, तो हम किस में जाते हैं, कॉस के साथ, और अगर अपोजिट टू थीटा जाते हैं तो किस में जाते हैं भाई, साइन के साथ। समझ रहे हो ना ये चीजों को। अब बात करते हैं, अब यहां पे देखो बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, कर रहा है ना भाई। देखो ना यार बॉडी उधर मूव कर रहा है कि नहीं, बॉडी उधर मूव कर रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे के तरफ लगेगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी को आगे बढ़ने से रोकता है। और यहां पे कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं BKCI के लाइव क्लासेस के साथ, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं पूछा है ना, तो रोकने वाली चीजों को हम तुरंत सामने निकाल के सामने रख देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहां पे जो होता है वो होता है W, और W इक्वल टू हो जाएगा mg। ऊपर आप देखेंगे यहां पे रिएक्शन लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन R। ये चीजें हमें किसने बताई थी, ये चीजें हमें बताई थी न्यूटन ने, कि आप कोई भी एक्शन करोगे उसके अपोजिट क्या लगेगा, आपको रिएक्शन लगेगा। तो हमने एक्शन क्या किया, W किया। अब आप बोलोगे भाई हम कोई रिएक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं भाई, आप जाके किसी टेबल पे बैठ जाओ, आप नीचे की ओर रिएक्शन करोगे, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो हमें न्यूटन ने भाई एक चीज बता दिया था कि ग्रेविटी तो नीचे लगना ही है, चाहे आप कुछ करो या ना करो ग्रेविटी तो नीचे लगना ही है। हमने ये ब्लॉक को यहाँ रखा मतलब ग्रेविटी नीचे लग ही रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ में ये बताया था भाई अगर आप कोई एक्शन करोगे तो ऊपर एक उसका रिएक्शन लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई जल्दी बता दो। अगर हम नीचे की ओर एक्शन लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्शन लग रहा है, यहाँ पे देखो ये जो आर है वो क्या होगा, ये R को हम किससे डिनोट करेंगे बता दो, R किसके लिए यूज किया गया है, R किसके लिए यूज किया गया है, नॉर्मल रिएक्शन। बहुत बढ़िया, R जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब देखिए इस W को बैलेंस क्या क्या कर रहा है, W को बैलेंस कर रहा है R प्लस एफ साइन थीटा, ये बैलेंस कर रहा है। अब यहां से अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। अगर मुझे आर की वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो देखिए आर की वैल्यू यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा मिल गया, और W किसके बराबर है, mg के बराबर, तो आर इक्वल टू ये हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। बस यार को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये म्यू, यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, और आप देखिए कहाँ पे वैल्यू दिख रहा है आपको। आप बोलेंगे सर ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे एफ इक्वल टू म्यू mg एफ साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, म्यू mg
माइनस एफ डिवाइड बाई टू, और आप देख सकते हैं ये कहाँ पे था, ऑप्शन सी पे था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ऑप्शन सी पे था। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर अगर हम आप 2018 का पेपर सॉल्व करा रहे हो तो 2018 के पेपर में ये डायग्राम तो हमको दिख ही नहीं रहा था, यहाँ पे 30 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा था। तो बच्चों मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 2018 का जब आंसर आउट हुआ था, जब फाइनल आंसर आया था, तो इस क्वेश्चन पे क्या लिया गया था, स्टार लिया गया था। क्यों स्टार लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या था, नहीं दिया था। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा इस क्वेश्चन को करेक्ट किया गया, वहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा, जिससे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, अगर ये क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, न्यूटन पटेल, बिल्कुल इस क्वेश्चन में स्टार लिया गया था, इसका कारण मैंने आपको बताया कि वहां पे एंगल नहीं दिया हुआ था, वो एंगल मैंने आपको सुधार के बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सभी को क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यहां पे देखिए, इसको थोड़ा सा मैं भी आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को जल्दी कवर करते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते हैं, जो चीज़ें क्लियर है उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को, बता दो चुंबकीय बल रेखाओं की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व पाथ बनाते हैं, बंद वक्र पथ बनाते हैं, और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सभी का सही आंसर आ गया, एकदम बहुत बढ़िया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को मैं मूव करूँ, सभी का सही आंसर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ, इसके आंसर के बारे में बताओ, ये भी तो एकदम आसान है। इससे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे, पहले आप एक मिनट रुक जाइए, पहले कुछ कुछ क्वेश्चन इससे मैं आपसे पूछता हूं। सबसे पहले मेरे को आप लोग ये बताइए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी आंसर देना, रुक जाओ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या होगा वैल्यू, सबसे पहले ये बता दो। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया। देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या हुआ, अर्थ है, हमको पता है ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, ये क्या हुआ, इक्वेटर, और ये क्या होता है, पोल होता है। हमको कंडीशन क्या बोला है, पोल पे जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, हमको क्या करना है, हमें पता है कि यही वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होता है, 9.8 जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है जी का। अगर हम नीचे भी आएंगे तो जी का वैल्यू कम होगा, ऊपर भी जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कंडीशन अपने को क्या दिया है, यदि हम भूमध्य रेखा से, मतलब हम इक्वेटर टू पोल है, भूमध्य रेखा से ध्रुव के तरफ गए, हम मैंने आपको यह बताया कि आप नीचे आओगे तो वैल्यू कम होगा, पर अगर आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू क्या होगा, अगर नीचे आने से कम हो रहा है तो ऊपर जाने से क्या होगा, जल्दी से बता दो, अगर नीचे आने से कम हो रहा है तो ऊपर जाने से क्या होगा भाई, इनक्रीज। बहुत बढ़िया, हमको यह चीज पता है कि हम अगर ऊपर से नीचे आना तो वैल्यू कम हुआ, यहां पे कंडीशन दिया है नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर गए तो यह वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। सभी का आंसर एकदम सही आया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे, कंफर्म कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। कंफर्म कर देंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी फाइनल इमेज कैसा बनाता है, यह पूछा है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा उत्पन्न अंतिम प्रतिबिंब होगा, क्या लिखा हुआ है, द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, बता दो
देखिए कुछ कुछ आंसर आने लगे, कुछ उल्टे सीधे आंसर भी आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ही आंसर सही है। इन चीज़ों को समझिए कि भाई इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए क्या होता है, हमारे पास क्या हुआ, एक सिंपल माइक्रोस्कोप हमने ऐसा ले लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने लिया और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो क्या करेगा, पहला जो रे होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और वो फोकस से पास करेगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है और वो बिना डिवेट हुए क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। इधर कहीं क्या हुआ, इसका फोकस हुआ, आप देखेंगे इनके बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे और किरण के साथ क्या करेंगे, कमेंट कर दो किरण के साथ क्या करेंगे, मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए हो तो किरण के साथ क्या करना है भाई, बता दीजिए जल्दी से। जबरदस्ती करेंगे, बहुत बढ़िया, किरण के साथ हम क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ऐसा जबरदस्ती करना है कि किरण को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और उसको वर्चुअल इमेज देना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि रियल इमेज क्या है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो आप देख सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप जो अपने को फाइलन इमेज दे रहा है वो कैसा बना, इरेक्ट बना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इसका आंसर आ जाएगा इरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, आप सभी ए ऑप्शन के साथ गए हैं। अब बात यहाँ पे ये आता है, मुझे ये चीज़ें बताएंगे, अब अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो मुझे आप ये बताइए कि जो ये इमेज बना हुआ है इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितने दूरी पे कोई भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप अपने को मैग्नीफाइड इमेज देता है, कितने डिस्टेंस पे देता है, ये चीज़ बता दीजिए तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, 25 सेंटीमीटर पे, और इस 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्या करता है, ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे सेट कर देता है जहां पे वस्तु क्या हो, अपने को सबसे बड़ा और क्या दिखे, स्पष्ट दिखाई दे, क्लियर हुआ। अगर वो 24 सेंटीमीटर पे बनता, 23 सेंटीमीटर पे बनता तो इमेज कैसे हो जाते, ब्लर इमेज अपने को देखने को मिलता, तो हमें क्या लग रहा होगा, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो यहां पर है पर माइक्रोस्कोप हम यूज कर रहे हैं तो हमें यह लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे दिख रहा है, 25 सेंटीमीटर पे। तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप यूज करने से हमें कुछ मिले ना मिले क्या जरूर मिलता है, क्या जरूर मिलता है भाई, धोखा जरूर मिलता है अपनी आंखों को। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप क्या देता है, इमेज तो देता है, साथ ही साथ क्या देगा, धोखा भी देगा कि जहां पे वस्तु है वहां पे वो ना दिखा के उसको कहां पे दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर पे दिखाएगा। ये चीज क्लियर है तो कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को क्या मिला, यदि दो वस्तु ए व बी पानी में तैर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ए का जो वॉल्यूम है उसका 2/3 पार्ट पानी के अंदर है, ए के आयतन का 2/3 और बी का आधा पानी के अंदर है, तो दोनों के रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो अपने को एकदम सिंपल है, ये चीज पता है, रिलेटिव डेंसिटी का, एक मिनट सॉरी ये पीछे चला गया, कैसा कैसा हो गया ये, हाँ ये आ गया, इधर उधर चला जाता है यार। देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पता है कि जितना भाग क्या है पानी के अंदर है, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, पार्ट इनसाइड वाटर, ठीक है, डिवाइड बाई हमने क्या लिखा, उस ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम,
जितना भाग अंदर है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ पार्ट इनसाइड द वाटर, और डिवाइड भाई हमने क्या किया टोटल वॉल्यूम। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का कितना भाग अंदर है भाई, तो आप देख सकते हो 2/3 भाग अंदर है। ए का कितना भाग अंदर है, 2/3 भाग अंदर है। और टोटल वॉल्यूम किसी भी बॉडी का कितना होगा, 1 होगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3। अब वैसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कितना भाग अंदर है, बी का आधा भाग, देखो यहां पे लिखा हुआ है बी का आधा भाग अंदर है, तो यहां पे क्या जाएगा 1/2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1। तो ये कितना आ गया, हाफ आ गया। अब इनका रेशियो बताना है तो आराम से निकाल सकते हैं, 2/3 डिवाइड बाई ऊपर कर दोगे ये 2/1, और आंसर कितना आ जाएगा 4/1। कहां पे देखने को मिल रहा है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 3 × 1 करने से यहां पे कितना आएगा 3। अब बता दो कहां पे देखने को मिल रहा है, अब बता दो भाई कहां देखने को मिल रहा है, ये अपने को देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी पे। कहां पे देखने को मिला, ऑप्शन डी में देखने को मिला। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर दीजिए भाई, समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, अ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द सॉरी ये फंक्शन लिख गया, द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, भाई ये फंक्शन नहीं है फ्रिक्शन है, ठीक है। अब ब्लॉक एक क्या है, एक ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसमें हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हो, देखो 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 बता दो आंसर क्या होगा, आ रहा है क्या बच्चों का आंसर, बहुत बढ़िया आंसर भी आना शुरू हो गया। अरे बच्चों अब किरण चले गई भाई, अपन फ्रिक्शन पे आ गए हैं, किरण में भी अभी अब तक बिजी हो आप लोग, आंसर बताओ इसका जल्दी। प्रवीण जी सी आंसर नहीं डी आंसर होगा इसका, संस्कार गुप्ता आपने भी सी लिखा हुआ है, सी नहीं। अरे चलो देखो समझो बात को समझो, अपनों को पता है न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक मिनट भाई ये थोड़ा सा माइक ना गिर गया, माइक को लगा ले क्या, आवाज क्लियर है क्या, देखो कंफर्म करो, सही है। चलो समझते हैं, अपने को पता है न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन ने हमें बताया था F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बताया था बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहां से आप देख सकते हो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M का दिख रहा है, मतलब अगर M का वैल्यू बता दे तो कोई भी फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम का वैल्यू बढ़ाओगे तो एफ बढ़ जाएगा, तो एम का वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, एम का वैल्यू सिर्फ इसी कंडीशन पे बढ़ सकता है, एक ब्लॉक हम क्या कहें उसके ऊपर और रख देते हैं, ये बोला है एक ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दो, कैपिटल एफ का वैल्यू बढ़ जाएगा, कैपिटल एफ का वैल्यू बढ़ा तो स्मॉल एफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो एक थंब का निशान दिखा दो, क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। बहुत शानदार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जो। हाँ भाई ये क्वेश्चन आ गया, इसमें देखते हैं क्या बोला है, 5 ड्राई सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अब देखिए यहां पे जो
बीकेसीआई से नहीं पढ़े हैं वो क्या, जो बीकेसीआई से नहीं पढ़े हैं वो तो बना ही नहीं पाएंगे पहली बात। दूसरी बात ये, जो नहीं पढ़े अगर बना भी लिए तो वो कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। पर अगर आप बीकेसीआई से पढ़े हुए हो तो आप नेट EMF निकालने के लिए क्या करते हो, नेट EMF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N इंटू ई। अब यहाँ पे N का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 ड्राई सेल लिखा हुआ है, तो N का वैल्यू हमने लिख दिया 5। E का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, E का वैल्यू दिया है 1.5, हमने लिख दिया 1.5 और आंसर कितना आ गया, 7.5 वोल्ट आंसर आ गया। और बताइए भाई आ गया क्या 7.5 वोल्ट, चलिए बहुत शानदार सभी का आ गया। बच्चों यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, अगर मान लीजिए इस सीरीज के जगह ये सीरीज को हटा के मैं पैरेलल लिख देता, इस श्रेणी क्रम को हटा के मैं क्या लिख देता, समांतर क्रम लिख देता, तब यहां पे हम किस आंसर के साथ जाते, नेट ईएमएफ कितना आता ये कंफर्म कर देंगे, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमने आंसर 7.5 लेके आया, अगर सीरीज के जगह मैं पैरेलल कर देता तो नेट ईएमएफ कितना आता इस क्वेश्चन पे, मुझे ये बता दीजिए। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी आ रहा है 0.3। चलिए भाई यहां पे आप कुछ समझने की कोशिश करना, मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सभी पे जो वोल्टेज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम होता है। बट अगर सभी को मैं पैरेलल जोड़ दूं, अगर सभी को मैं क्या किया पैरेलल जोड़ दिया, तो नेट वोल्टेज कितना होगा, जितना वोल्टेज जो बैटरी लगा हुआ है जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है सभी में वही चीज डिवाइड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या वोल्टेज डिवाइड होता है, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी आया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या वोल्टेज डिवाइड होता है, यस और नो पे आंसर बता दो, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज डिवाइड होता है, नहीं होता भाई। ये चीज बताने के लिए हर बार आपको पुश क्यों करना पड़ता है, ये चीजें क्लास में बताई गई है ना, हर बार पुश क्यों करना पड़ता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन पे वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चार्ज डिवाइड होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ये होता तो इसका आंसर क्या आता, 1.5। लाइव क्लास में जुड़े उसके बाद भी गुस्सा दिलाते हो, ठीक है, कितना आ गया 1.5 आ गया, क्लियर हो गया, तो थम का निशान दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़िया, सॉरी बच्चों थोड़ा सा खांसी आ रहा है, चलो इसका आंसर बता दो क्या लिखा हुआ, एक पहिया वाला ठेला गाड़ी, आंसर आना शुरू हो गया, चलो आंसर आना तो शुरू हुआ पर अच्छी बात यह है कि सही आंसर आना भी शुरू हो गया। चलिए इसका आंसर तो हम दे दिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछना है मेरे को पता था आप लोग इसका आंसर दे दोगे, मेरे को ये बता दो कि कितने टाइप के लीवर होते हैं, यहाँ पे लिखा है किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो मेरे को ये बता दीजिए कि एक्चुअल में लीवर होते कितने टाइप के हैं। तीन टाइप के, बहुत बढ़िया। अगर हम प्रथम वर्ग के उत्तोलक की बात करें, फर्स्ट क्लास लीवर की बात करें, उसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था,
उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैंची, पीएटी 2016 का क्वेश्चन, ये है 2018 में, थर्ड क्लास लीवर की तरफ मूव किए थे, तो उसका आंसर क्या था? क्रिकेट बैट, ठीक है, ये चीजें हमने देखी हुई थी। ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं, फिशिंग पोल, सही है भैया आकाश, एकदम सही आंसर है, क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है? सामान्य दृष्टि के लिए वस्तु की फोकसित दूरी, बता दो आंसर। इनफिनाइट डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर अवे, 25 एमएम अवे, 25 मीटर अवे। चलिए इसका आंसर तो आपने ए दिया, बिल्कुल सही है। मुझे ये बता दो, रेंज ऑफ विजन कितना होता है? रेंज ऑफ विजन बता दीजिए। देखिए रेंज ऑफ विजन होता है 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस क्वेश्चन में यही चीज देखने को मिल रहा है कि ये पूछा गया है कि आप कहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, कहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डिफेक्ट नहीं है, अगर आपकी आंखों में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो आप कहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया डिफेक्ट का, मैंने क्या वर्ड यूज किया? डिफेक्ट मतलब विजन डिफेक्ट। अब विजन डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये बता दो, विजन डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? बहुत बढ़िया, विजन डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के होते हैं, ठीक है। सभी मतलब पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रहे है, मतलब पीएटी को फाड़ना है ना इस बार, पीएटी को फाड़ना है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें, कंफर्मेशन दे देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सर क्या हो गया सर? बैटरी लो गया भाई फोन का, फोन चेंज किया हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पाता तो मजा नहीं आता ना, मेरे फोन का बैटरी लो गया इसलिए फोन चेंज किया। यहाँ पे आ जाओ बताओ कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर,
चलिए पता है मतलब, देखो शुरू करते हैं। क्या हुआ ये 0 डिग्री सेल्सियस से क्या बनेगा? सबसे पहले अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, ये क्या बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर ये क्या बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा, फिर ये क्या बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बोला है तो स्टीम, यहाँ पे स्टीम ही बोला है तो हम क्या लिए स्टीम लिए। कितने प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है ये? पहला, दूसरा और तीन प्रोसेस में ये कंप्लीट हो रहा है। पहले प्रोसेस की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्या बन गया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट क्या हो गया स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना होगा लेटेंट हीट लगाना होगा, और लेटेंट हीट के लिए अपन क्या यूज करते हैं एम इंटू एल। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है 1 ग्राम। कमेंट करके बता दीजिए एल का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया आने लगा कमेंट, एल का वैल्यू कितना होगा 80। तो क्यू वन यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू वन आ जाएगा 80 कैलोरी, क्यू वन कितना आ जाएगा 80 कैलोरी आ जाएगा। सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्या बन, सॉरी वाटर क्या बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना, तो यहाँ पे अपने को रिक्वायर्ड हीट का फॉर्मूला लगाना होगा। एम का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाएगा कितना 1, और टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे आ जाएगा 100 माइनस 0 कितना आ गया 100, तो सेकंड में आ गया 100 कैलोरी। ये बिल्कुल सही आपने सेकंड का आंसर दिया, सभी का आंसर सही आ रहा है। थर्ड केस में क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर था वो क्या बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ कांस्टेंट है यहाँ पे भी टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इक्वल टू एम इंटू एल, एम का वैल्यू यहाँ पे भी एम, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 536। ठीक है, मैंने आपको अप्रॉक्स 540 लेने को कहा था पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है 536 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिख रहा है मेरे को 716 दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 536 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, देखो 80 + 100 + 536 आंसर कितना आ जाएगा 716 कैलोरी। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ये क्लियर होगा तो थम कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बीकर में रखे पानी में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो पानी के स्तर में, आंसर बता दो, ये तो सीधा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया आंसर आ गया, क्या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करेंगे तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, दो गोले 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई इन द रेशियो 2:3 हैव स्पेसिफिक हीट इन द रेशियो 3:2, द रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटीज इज, थर्मल कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में बोला है भाई, तो थर्मल कैपेसिटी को मैं मान लो एक्स लिख लिया। ये फिर से चला गया यार, कहाँ कहाँ चला जाता है। थर्मल कैपेसिटी को मैंने एक्स लिख लिया, फॉर्मूला क्या हो गया एम इन टू एस। देखिए यहाँ पे हम एस का वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, क्या एम गिवन है क्या अपने को, एम नहीं दिया हुआ है, तो हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू क्या हुआ मास बाई वॉल्यूम, तो यहां से मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो मैं m के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे,
तो x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला हो जाएगा m के प्लेस में मैंने पुट कर लिया 4/3 पाई आर क्यूब डी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में मुझे आर वन का वैल्यू दिया हुआ है 2, आर टू का वैल्यू दिया हुआ है 3, एस वन का वैल्यू दिया हुआ है 3, और एस टू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे 4/3 का भी काम नहीं है, पाई का भी काम नहीं है, डी का भी काम नहीं है। तो एक्स इक्वल टू मैं पहले केस में क्या लिख सकता हूँ, आर वन का क्यूब एस वन, और दूसरे केस में मैंने क्या लिखा, आर टू का क्यूब एस टू। अब इनका रेशियो पूछा है भाई, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर वन क्यूब एस वन डिवाइड बाई आर टू क्यूब एस टू। R1 का वैल्यू कितना, R1 का वैल्यू 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, इनटू S1 का वैल्यू कितना 3, हमने यहाँ पे 3 रख दिया। R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 3, 3 का क्यूब किए ये 27 हो गया, और S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, यहाँ हमने 2 रख लिया। देखिए ये 3 से कैंसिल करोगे कितने बार में, 9 बार में, ये 2 से कैंसिल किए कितने बार में, 4 बार में, आंसर कितना आ गया 4:9। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आया है, ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, और हम यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा जल्दी भाई, पिछले एक घंटे से हम जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, चलो कंफर्मेशन दे दो आगे बढ़ जाए। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है यहां पे अपने को, पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, केंद्र पर विभव अपने को बताना है, इस ओ पॉइंट पर, ये सेंटर पे विभव अपने को बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझना, इसके केंद्र पर विभव अपने को बताना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर, और R क्या होगा यहां पे, डिस्टेंस, R क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए ये वैल्यू a दिया हुआ है, ये a दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको अगर मैं x मान लिया तो क्या हो जाएगा, हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ये x स्क्वायर का वैल्यू आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 इंटू a। अब मुझे ये पूरे, इस देखिए इस साइड का पूरे का वैल्यू मुझे कितना मिला है, रूट 2 इंटू a, पर मेरे को चाहिए क्या, आधे का वैल्यू चाहिए, तो आधे का वैल्यू चाहने के लिए मुझे क्या होगा, 2 से इसे डिवाइड करना होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बाई रूट 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे देखो डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया कितना, a बाई रूट 2, खत्म कहानी, चलते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। v1 के केस में गए तो देखिए v1 के केस में q1 का वैल्यू कितना, q का वैल्यू कितना है, 4q, तो हमने लिखा 4q, और डिस्टेंस हमें क्या मिला है, a बाई रूट 2। v2 के केस में चार्ज कितना है, -2q, तो हमने पुट कर दिया k -2q, डिस्टेंस a बाई रूट 2 हुआ। v3 के केस में देखिए, v3 के केस में क्या दिया हुआ है, प्लस q दिया है, तो ये हो जाएगा k क्यू डिवाइड बाई a बाई रूट 2। अगर हम v4 के केस में आएंगे तो क्या दिया हुआ है, -3q हो जाएगा, ऐसा जो भी कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई ए बाई रूट 2, अंदर क्या बच गया, 4 बच गया, प्लस 2 बच गया, प्लस 1 बच गया, ये प्लस 2 नहीं, क्या होगा, -2 होगा,
ये प्लस टू नहीं माइनस टू बच गया और ये माइनस थ्री बच गया। अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये अपने को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी पे दिख रहा है, दिख रहा है भाई। अगर ये क्लियर हो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी का आंसर सही आया, सभी ने सही आंसर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए और बी पॉइंट के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं, रास्ता देखते चलते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में पहुंचना है तो ये वाले रेजिस्टेंस को छोड़ दो, बाकी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इमेज क्लियर है क्या, ये जो सर्किट डायग्राम है वो क्लियर दिख रहा है क्या आपको, कंफर्म कर देंगे थोड़ा सा। हाँ चलिए दिख रहा है क्लियर ना। तो देखो यहां पे ये दो जोन होंगे वो किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। और सीरीज के लिए हमें पता है क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो R1 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 3, R2 का वैल्यू 7। तो पहले केस में कितना आ गया, 10 ओम आ गया। मतलब इन दोनों के जगह मैं एक रेजिस्टेंस यूज करूंगा और उसका वैल्यू कितना होगा, समझिएगा मेरी बात को। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहां पे हमने रेजिस्टेंस जो लगाया था वो 5 था, ये 10 था, और यहां पे भी कितना आया था, 10। यहां पे ये जो दो पॉइंट था इसको हमने सॉल्व करके इसका वैल्यू कितना निकाल लिया हुआ है, 10 निकाला है। अब देखो ये दोनों अपने को किस में दिख रहे हैं, पैरेलल पे दिख रहे हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये कितना हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, और 2/10 मतलब 1/5। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके हम कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे, 5 ओम का। तो जो अपना अगला डायग्राम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये भी 5 था और ये भी 10 था, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अब ए से बी जाने के कितने रास्ते दिख रहे हैं अपने को, दो रास्ता, एक रास्ता ये हुआ एक रास्ता ये हुआ। तो दो रास्ते, पहले रास्ते पे आपने दो बार रुका तो ये सीरीज में हुआ, ये हो जाएगा 5 + 5 कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 के साथ ये वाला जो 10 होगा पैरेलल होगा, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया, 2/10, 2/10 मतलब 1/5। तो जो R इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 ओम। कौन से ऑप्शन पे दिख रहा है, ऑप्शन बी पे दिख रहा है। अब मैं चेक करता हूं कितने लोगों ने सही आंसर दिया, तो सभी ने सही आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें टॉर्क बताना है, टॉर्क बताना है। टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहां पे जो एम होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो बी होता है वो क्या होता है, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए अपने को यहां पे पढ़ेंगे तो क्या दिखा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे स्मॉल m दिखा है, मतलब कैपिटल m का वैल्यू दिया स्मॉल m, और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, जो b दिया हुआ है वो क्या दिया है, h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tau इक्वल टू स्मॉल m h, और थीटा का वैल्यू तो साइन थीटा ही है। तो ये अपने को किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ये अपने को ऑप्शन दिख रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए कंफर्म कर देंगे फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, थ्री कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 फेरेड आर पुट इन सीरीज।
तीन कंडेंसर है सीरीज में पुट किए हुए हैं, मतलब C1 का वैल्यू भी 2, C2 का वैल्यू भी 2 और C3 का वैल्यू भी दिया हुआ है 2, सीरीज में पुट किए हैं। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, पुट कर दिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया ये 3/2, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी पे ये चीज दिख रहा है, दिख रहा है भाई ऑप्शन सी पे ये चीज दिखा। चलिए भाई मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया। तो ये मैंने आपको 2018 पीएटी के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए, ठीक है। कैसा लगा बच्चों आज क्लास, चलो अब कुछ बात करते हैं, कैसा लगा आज के क्लास को ज्वाइन करके, आपने क्वेश्चन के मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर दिए, कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हमसे बन रहा है। कुछ तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमसे फिजिक्स बन रहा है, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको आपने आसानी से सॉल्व किया होगा। चलो बच्चों तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि ये सीरीज कंटिन्यू हमारे द्वारा चलाया जाएगा, AG1 AG2 AG3 सभी के फैकल्टी आपसे जुड़ते रहेंगे और हम PAT के आखिरी दिन तक आपके साथ रहेंगे, आपके तैयारी के साथ रहेंगे, क्योंकि BKCI सिर्फ सिलेक्शन पे काम नहीं करता, BKCI काम करता है स्टूडेंट के रैंक पे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट सिर्फ कौन सा कॉलेज, आपके दिमाग पे ये चीज़ होना चाहिए कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए। सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सा, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज, IGKV। बिल्कुल बच्चों अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक ही गवर्नमेंट सीट है, और वो गवर्नमेंट सीट किसका है, सिर्फ आपका है। लगातार हमसे जुड़े रहिए बच्चों, कुछ नए बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे संस्थान में PAT क्रैश कोर्स 30 मार्च से व नर्सिंग के क्रैश कोर्स 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप अपना एडमिशन इंस्टीट्यूट में फिजिकली आके या ऑनलाइन मोड पे भी हमसे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्द ही मैं आपसे फिर से अगले सेशन पे जुड़ूंगा, आज आप लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिएगा, मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे, थैंक यू।